हो, गणपत भाई बसावा को गाली देते हो। मैंने बोला मैं गाली दूंगा और सामने मिलेगा तो मारूंगा। ये हमें समझना चाहिए। आप लोगों को देख के मेरी ताकत हजारों गुना बढ़ गई है, संगठन की ताकत होती है। यह संगठन की ताकत होती है। आज मानगढ़ में जो हादसा हुआ था उसका शहादत दिवस है। मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं आया हूँ। अभी थोड़े दिन पहले जो संविधान के विरोध में जो कार्य हुआ उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सही नहीं है। आसपास के जो गांव वाले हैं, जो लोग इधर रैली के माध्यम से आए और झंडा गाड़ के गए, तब वो लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? क्या मैं ही अकेला भील हूँ? क्या यहाँ पे आए वो सभी भील है? आप लोग भील नहीं हो? अरे भील में जन्मे हो, भील का आरक्षण का रोटी खाते हो और उसके जो अत्याचार होते हैं उसके सामने बोलते नहीं। अरे लानत है तुम लोगों की जिंदगी पे। आरक्षण के नाम पे जो रोटियां तोड़ रहे हो और ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हो ना, वो हमारे बाप दादाओं ने अपना खून बहाया है और उसके हिसाब से तुम्हें आज सरकारी नौकरी मिली है, तब जाके तुम दो पैसे कमा रहे हो। भूलो मत और मेरे मुंह में उंगली डालने का काम मत करना, चाहे कोई भी है। मैं खुले मन से चैलेंज देता हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो सबके सामने माफी मांगूंगा और अगर आप लोग गलत है तो कहीं से भी ढूंढ के निकल के मारूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी। लास्ट में एक ही बात बोल रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने जो फल का पेड़ लगाया था उसमें हमने फल खाया, आज तक खाता रहे और उसमें फल आना कम हो गए हैं। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है ऐसे ही पेड़ हमें लगाने हैं जिसमें वापस फल आए और हमारे जो बच्चे हैं उसके लिए खाने का इंतजाम हमें ही करना पड़ेगा। ये हमारे कंधों की जिम्मेदारी है। मक्खी दो प्रकार की होती है, एक मधु से देखती है जो डंक मारती है, लेकिन अपने मधु से की रक्षा करती है, संरक्षण है ना, वो मधु से है। दूसरी मक्खी मैं बोलना नहीं चाहता कहाँ जाके देखती है। आज यहाँ जो लोग नहीं आए हैं वो खराब मक्खी है और जो लोग आए हैं वो अच्छी मक्खी है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद्र भील और आप देख रहे हैं आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। अभी हम हैं मानगढ़, आदिवासी धाम मानगढ़, और मानगढ़ में बहुत बड़ा जाम लगने से पैदल सभी जा रहे हैं और आपको मैं पब्लिक जूम करके दिखाता हूं थोड़ा। ये देखिए काफी मात्रा में इस पहाड़ी पर अपने भाई अपना रास्ता बनाकर चढ़ रहे हैं और ऊपर ये देख रहे हो आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये मानगढ़ पहाड़ी है और ऊपर स्टेचू दिख रहा है और वहाँ जाकर आपको पूरा कवरेज बताते हैं। रास्ते का व्यू आप देख सकते हो, काफी लोग पैदल जा रहे हैं और काफी करीब 15 किलोमीटर दूर जाम लग गया। और ये हल्दीघाटी की टीम, हल्दीघाटी रासमन की टीम और साथ ही रज कलश हल्दीघाटी की से जो हमारा आदिवासी ऐतिहासिक स्थल राजस्थान का हल्दीघाटी है, और रज कलश लेकर चल रहे हैं हमारे आदिवासी शेरनी दीदी और साथ ही काफी सारे युवा। गाड़ी आप देख सकते हो पूरा रोड जाम के कारण यही पड़ी है। 50 किलोमीटर तक जाम का असर है। हाँ करीब 50 किलोमीटर एरिया में, मानगढ़ की चारों दिशा में 50 किलोमीटर के एरिया में जाम का असर देखने को मिल रहा है।
आप लोग देखकर आगे कार्यक्रम ठेठ ऊपर जाकर आगे, लेकिन हमारा जाना मुश्किल हो रहा है। अभी तो करीब कितना किलोमीटर होगा हम जानते हैं, हमारा कितना किलोमीटर होगा, 7 किलोमीटर की दूरी, बाप रे पैदल तय करनी है और फिर वापिस आना, और ऊपर से बारिश। हमारे जो गणवीर बाइक लेकर आए उनका तो हाल बेहाल है, गाड़ी वालों का हाल ऐसा है पैदल चल के जाना पड़ रहा है, तो फिर उनका तो हम क्या ही बताएं आपको। अभी काफी ऊंचाई में है हमारा टारगेट, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं वो जल्द ऊपर पहुंचने की, और ऊपर जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो कवरेज करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, पूरे भील प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, और इस बारिश चाहे बारिश गर्मी से कोई असर नहीं हो रहा है, और आप देख सकते हो पसीना पसीने है ये। हाँ, आपको मैं मेरा पसीना दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, लेकिन हम हमारे टारगेट लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं, हमारे तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम जो अभी हमसे 7 से 8 किलोमीटर दूर हैं, और हम पैदल यह दूरी तय करेंगे। बस तब तक के लिए इतना ही, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का यहाँ का आदिवासी। पूरा बारिश देख सकते हो आप, पानी भरा है ये, और आदिवासी झोपड़ी वगैरह बनी हुई हैं। आदिवासियों का तीर्थ स्थल, और यह मानगढ़ भील प्रदेश का राजधानी कह सकते हो, और आज हम भील प्रदेश की राजधानी मानगढ़ आए हैं। जय हो, जोहार। और फिर हम वापिस एक ट्रैफिक में फंस गए हैं, इस तरह का ट्रैफिक हमने काफी पीछे छोड़ा है। देखिए आपका आदिवासी स्टाइल में, बहुत भीड़ है, और देख सकते हो बारिश, ऊपर से बारिश और इतनी गर्मी और इतना ट्रैफिक जाम होने से पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। पूरा ऊपर से दिखा दो मैं आपको, जाम हो गया ट्रैफिक मानगढ़ के 50 किलोमीटर के एरिया में, चारों दिशा में ट्रैफिक जाम की सूचना मिल रही है। पूरा भील प्रदेश का आदिवासी, अपनी भील प्रदेश की राजधानी आप देख सकते हो मानगढ़ आ गए हैं, और इतना तेज मूसलाधार बारिश के बाद भी सभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कार्यक्रम की ओर जाते हुए, काफी शॉर्टकट रास्ता बनाकर भी निकल रहे हैं लोग, जैसे आप देख सकते हो। और बस कीचड़ में फंस गए, अब कैमरा यहीं बंद करना पड़ेगा।